वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर आज जिला कलेक्टर संदेश नायक व तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने अपने विधायक कोष से 50 लाख रुपए की लागत से तैयार राशन सामग्री के वाहनों को रवाना किया। इस अवसर पर बुडानिया ने कहा कि कोरोना वायरस से हुए लॉकडाउन में जरूरतमंदों तक 50 लाख रुपए की राशन सामग्री व 1 लाख रुपए सैनिटाइजर व मास्क के लिए दिए गए हैं। मैं विधायक के रूप में जिस दिन ये कोरोना का जो है लॉकडाउन हुआ, उसी दिन हमने मेरे स्वयं के कोष से, मेरे साथियों के कोष से, मैंने पूरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर राशन वितरण करवाया। और मुझे खुशी है कहते हुए कि राजस्थान के अंदर जो ही लॉकडाउन हुआ, तो सबसे पहला मैं विधायक हूँ जिसने अपने सांसद कोटे से 51 लाख रुपए जो है देने की अनुशंसा की। 1 लाख रुपया मास्क और सैनिटाइजर के लिए दिया और 50 लाख रुपए राशन सामग्री वितरण के लिए दिए। मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्हें बहुत सक्रियता से इस राशन का जो है खरीद करके ये आज ये गाँव में भेज रहे हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस का संक्रमण के रोकने के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन का पालना ब्लॉक करने के लिए लोगों को बताया गया। इस लॉकडाउन के अवधि में काफ़ी ऐसे व्यक्ति या समुदाय के हो सकते हैं या कोई परिवार हो सकते हैं जिसका रोजी रोटी हम की जो उनकी जो व्यवस्था थी वो बिगड़ गई, परंतु हमने सरकार की मदद से, आमजन की मदद से और इन सभी व्यक्तियों को कभी भी एक दिन भी उनको भूखा नहीं सोना चाहिए, इसके प्रयासरत थे। माननीय विधायक तारानगर नरेंद्र जी बुढ़ानिया जी ने अपने विधायक कोष से 50 लाख रुपए का उन्होंने हमें अनुशंसा की थी और उससे पहले हमने काफ़ी इनकी प्रेरणा से भामाशाहों के माध्यम से गरीब तबके के लोगों को हम बांट चुके हैं और अभी भी आगे जो है अनदर 10 डेज जो आगे 10 या 15 डेज ये किट जो हमने रवाना किया है, इसमें 10 केजी का आटा, 2 केजी का दाल, चावल, चाय पत्ती, शुगर और हर प्रकार के ऑयल तेल है। इससे क्या होगा कि व्यक्तियों को कोई भी व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, वो APL परिवार में हो या BPL परिवार में हो, बट कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सो पाएगा। चूरू पंचायत समिति परिसर से आज ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए 2000 खाद्य सामग्री के पैकेट्स को रवाना किया गया। इस मौके पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, जिला प्रमुख हरलाल सहारण, विक्रम कोटवा, जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित पार्टी के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। चूरू में कोई भूखा नहीं सोए, ये ऐलान है हमारा। पहले 2 चरणों के अंदर भामाशाहों के सहयोग से हमने चूरू शहर और चूरू ग्रामीण इलाके के अंदर 8,900 पैकेट, जिसमें 5 किलो आटा, 1 किलो दाल, 1 किलो चावल और सरसों का तेल 300 ग्राम ये व्यवस्था करके बांटे थे। अब दूसरे चरण के अंदर 21 लाख की लागत से विधायक विकास कोष से जो अन्य सामग्री तैयार हुई है उसकी पहली खेप हम रवाना कर रहे हैं। लगभग 7,500 पैकेट्स है जिसके अंदर आटा, आधा किलो दाल, आधा किलो मिर्च, आधा किलो धनिया, पाव भर हल्दी, सरसों का तेल और इस प्रकार की व्यवस्था की है। इसके अलावा भी हमें अपने स्वयं के कोष से, भामाशाहों के सहयोग से चूरू के ग्रामीण क्षेत्रों और शहर के अंदर 15,000 डिटोल की साबुन की टिक्किया भी बांटने का काम का आज श्री गणेश युवा मोर्चा के माध्यम से करेंगे। हमारा संकल्प है कोरोना को हराना है, चूरू और राजस्थान को जिताना है। इस कार्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। विधायक कोष से बनी हुई इस सामग्री की पहली खेप को आज हम रवाना कर रहे हैं जिसमें लगभग 2,000 पैकेट्स हैं। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए आज नगर परिषद चूरू के द्वारा 3 सैनिटाइजर चैम्बर मंगवाए गए हैं। वहीं एक चैम्बर को नगर परिषद में स्थापित किया गया है जिसका आज विधिवत उद्घाटन सभापति पायल सैनी व आयुक्त द्वारका प्रसाद द्वारा किया गया। इस मौके पर परिषद के अनेक पार्षद भी मौजूद रहे।
पहले चरण के अंदर हम लोग 3 चैम्बर लगा रहे हैं, उसके बाद में 2 चैम्बर, और फिर अगर ये सक्सेस रहते हैं तो आगे जिस तरीके से अगर लॉकडाउन खुलता है और लोगों का आवागमन जहाँ जहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगा तो वहाँ वहाँ पर आगे और चैम्बर लगाए जाएंगे। अभी के लिए हमने नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों की प्राथमिकता के लिए अलग से उनके लिए लगाया है, और दूसरा जो स्टाफ है और जो पार्षदगण यहाँ पर आते हैं उनके लिए एक, और इसके अलावा कृषि उपज मंडी में जो सब्जी विक्रेता है उन लोगों के वहाँ पर थोड़ी भीड़ ज़्यादा रहती है, उन लोगों के लिए एक चैम्बर लगाया जा रहा है, और साथ ही इसके पुलिस थाना में एक चैम्बर और लगाया जाएगा और एक कलेक्ट्रेट में लगाने की हमारी है। उसके बाद में आगे गढ़ चौराहे पर और जहाँ पर भी लोगों का आवागमन जैसे बैंक के पास में अगर भीड़ ज़्यादा रहती है तो वहाँ पर ये चैम्बर लगाए जाएंगे। सिर्फ मात्र 5 सेकंड में इसके अंदर से आदमी जब पास होता है तो 5 सेकंड में सैनिटाइज हो जाता है। जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा जिले में पड़ रही गर्मी को देखते हुए एक परिवार एक परिंडा अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान का शुभारंभ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ द्वारा किया गया। इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि जिला अध्यक्ष अभिषेक चोटिया की अगुवाई में शुरू हुआ यह परिंडा विद सेल्फी अभियान हम सबके लिए प्रेरणादायी है। कैद है ऐसे समय के अंदर हमारे पक्षी और वो बेजुबान पक्षी जिनको दाना और पानी दोनों किसी न किसी मनुष्य द्वारा दिए जाते हैं महरूम है, पानी उन्हें मिलता नहीं, इसलिए परिंदा लगाने का काम युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष चोटिया जी की अगुवाई में प्रारंभ हुआ है। परिंडा विद सेल्फी, सेल्फी विद परिंडा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे जिले के अंदर ये परिंडा लगाने का अभियान, मूक पक्षियों को पानी पिलाने का अभियान परवान चढ़ेगा। ये एक प्रकार से पक्षी कल्याण का कार्य है, प्राणी कल्याण का कार्य है। वहीं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संपतराम बारूपाल द्वारा भी भीषण गर्मी को देखते हुए राजकीय कार्यालयों में चयनित स्थानों पर बेजुबान पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए हैं। इस लॉकडाउन अवधि में जो कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, तो दिमाग में ये बात आई कि सभी की व्यवस्था की जा रही है, प्रशासन बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहा है, अपने चूरू का तो वास्तव में बहुत ही, मैं कहूँ कि बहुत ही अच्छा प्रबंध कर रखा है हमारे कलेक्टर साहब ने, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आई कैसे कि मैं इधर से एक ऑफिस में जाते समय गुजरता हूँ तो देखता हूँ कि ये बेजुबान पक्षी हैं, इनको पानी की व्यवस्था नहीं है, कैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है, टेम्परेचर अभी 35-40 के बीच में चल रहा है, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं इन बेजुबान पक्षियों के लिए भी कोई व्यवस्था की जाए। तो आज ही से परिंडा लगाने का मैंने व्यवस्था की है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो परिंडा है ये हमने खुद बनाया है, मेरे साथी जिनके पास में कितने परिंडे लगाने का लक्ष्य है आपका? आज मैंने 10 परिंडे तैयार किए हैं, और कलेक्ट्रेट परिसर में आगे जो अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर का पार्क है उसमें, गांधी पार्क है उसमें। जिला मुख्यालय स्थित चिकित्सालय कंट्रोल रूम में कल एक व्यक्ति ने फोन कर सूचना दी कि उसके परिचित के कोरोना संबंधी जांच करनी है। सूचना पर जब चिकित्सा विभाग की टीमें मौके पर पहुंची तो उन्हें गलत सूचना प्राप्त हुई बताया गया। इस पर टीम ने चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखकर फोन करने वाले पर कार्रवाई की मांग की है। हमें ये कुछ कंट्रोल से मेरे पास फोन आया कि अरविंद सिंह सोनी की माता जी, उनको खांसी जुकाम बुखार है, हम इनकी तफ्तीश करने के लिए इनके घर पर आए तो वो बिल्कुल मना कर रहे हैं। फिर जिसने मैं कंप्लेंट की उससे बात की तो उसने कहा कि कोई महावीर नाम से आदमी है, उस महावीर ने हमें बताया, वह महावीर से बात की तो महावीर अब बोला कि नहीं उसके नहीं है। तो हम लोग सुबह से उसको घर को ढूंढते परेशान हो गए, अब जाके वो हमें घर मिला है, और ये मजाक समझ रखे हैं लोगों ने कोरोना को। जिला मुख्यालय के श्याम सिनेमा हॉल के पीछे आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक निजी आवास में तैनात चौकीदार का शव रसोई घर में फंदे से झूलता हुआ मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और मामले की तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि मृतक युवक पिछले 2.5 साल से चौकीदारी का काम कर रहा था। मुकेश दास यहाँ 2.5 साल से चौकीदारी का काम करता था। उसने अपने घरवालों से शाम को करीब 6:30 बजे आसपास बात कर अपने खुले में सो रहा हूँ अभी, तो ये जो अपने रसोई जिस मकान में सो रहा है उसमें खुद फांसी लगा कर आत्महत्या कर लिए। पूरे कंदोई सदर ने इसमें 2.5 साल से किराएदार पर या चौकीदारी का काम करता है, और ये जो कंदोई सदन वाले हैं ये बम्बई के रहने वाले बता रहे हैं जो ये चौकीदारी के रूप में काम करता था।
सरदार शहर विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा की 75वें जन्म दिवस के अवसर पर आज गौशाला व स्थानीय ताल मैदान में गायों को हरा चारा व गुड़ खिलाकर सादगी से मनाया गया। इस मौके पर अनिल शर्मा, रामलाल मिश्रा, जगदीश जैसन सरिया सहित शहर के गणमान्य जन मौजूद रहे। वहीं सरदार शहर गौशाला समिति, व्यापार एवं उद्योग मंडल व रोटरी क्लब की ओर से शहरवासियों से अपील की गई थी कि वह आगे आकर गोधन के लिए चारे पानी की व्यवस्था करें। इसी के तहत शहरवासियों ने अब विभिन्न क्षेत्रों में गोधन के लिए पानी के पात्र रखवाने का निर्णय किया है। वहीं चूरू में भी जिला प्रशासन के आग्रह पर शहर के युवाओं ने आवारा गोवंश के लिए चारे की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के तहत यह सभी युवा पूरे शहर में घूमकर आवारा पशुओं को चारा मुहैया करवाते हैं। ये अपने लॉकडाउन के दिन से लगातार चाय पिलाने का काम, चाय नाश्ते का काम चल रहा था हमारा। अपने DYSP साहब के कहने से उनका चाय पिलाने का काम तो बहुत आदमी कर रहे हैं। कोई गायों को कोई चारा वगैरह का कुछ कोई काम करे तो बढ़िया रहे, तो उनके आदेश से हम लोगों ने 4 तारीख से निरंतर सुबह हम लोग खेत से भर के लेकर आते हैं अपने और पूरे चूरू में घूमते हैं। जितने भी आवारा पशु हैं सबको चारा खिलाते हैं। जिले की राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविकाएं अपने हाथों पर मेहंदी लगाकर कोरोना से बचाव एवं जागरूकता का संदेश दे रही है। जिला समन्वयक डॉक्टर JB खान ने बताया कि वर्तमान में इस वैश्विक महामारी के बढ़ते प्रकोप के विरुद्ध स्वयं सेविकाओं ने घर पर रहते हुए जागरूकता अभियान चलाया हुआ है, जिसके अंतर्गत छात्राएं अपने हाथों पर मेहंदी द्वारा विभिन्न संदेश बना रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु नगर परिषद द्वारा नगरीय क्षेत्र में सरकारी कार्यालयों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कार्य जारी है। नगर परिषद आयुक्त द्वारका प्रसाद ने बताया कि छिड़काव टीम के कार्मिक किशनलाल मीणा व रामस्वरूप मीणा ने आज पारिवारिक न्यायालय, PRO कार्यालय, जिला परिषद रसद व शिक्षा विभाग के कार्यालयों में छिड़काव किया। और जगह जगह जहाँ पर शिकायत आती है वहाँ पर सरकारी कार्यालय में सैनिटाइज कर रही है। किन की तरफ से कर रहे हो? नगर परिषद चूरू से। कोरोना संक्रमण वायरस व लॉकडाउन की परिस्थितियों को देखते हुए भादरा के भामाशाह आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में आज वेरिटोस इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव महिपाल ने 21,000 रुपए का चेक PM केयर फंड के नाम SDM मुकेश कुमार बारट व तहसीलदार जीतू मीणा को सौंपा। कोरोना वायरस की इस वैश्विक महामारी के चलते बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्याएं आ रही है। वेरिटास इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हमने एक छोटा सा सहयोग देने की कोशिश करी है। हम चाहते हैं कि जहां कहीं भी जिस ज़रूरतमंद को जो भी सहायता की ज़रूरत हो, सभी संस्थाओं के माध्यम से उनको वो ज़रूरत पहुँच सके, ये इस महायज्ञ में हमारी छोटी सी आहुति है। और हम कामना करते हैं कि सभी लोग सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें और कोरोना वायरस से बचते रहें। जैसा कि अपन सभी जानते हैं अभी लॉकडाउन क्यों चल रहा है, जो कि 3 मई तक अभी चलेगा। इस लॉकडाउन में भी सोशल डिस्टेंसिंग और वही सब नियमों का पालन करना है जो हमने पहले लॉकडाउन में किया। विश्वव्यापी महामारी कोरोना को हराने के लिए प्रशासन जहां हर प्रकार से मुस्तैद है, तो वहीं तारानगर के ग्रामीण क्षेत्र में युवा भी कोरोना को हराने के लिए डटे हुए हैं। ऐसा ही वाक्य तारानगर तहसील के कालवास गांव में देखने को मिला। गांव के युवाओं की टीम गांव में पहरा देती है, वे मुख्य रास्तों पर नाके लगा रखे हैं। जरूरी काम के अलावा किसी भी व्यक्ति को गाँव में प्रवेश नहीं होने दिया जा रहा। एक कोरोना नाम की एक महामारी जो फैली हुई है, उसके लिए, उसके बचाव के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और हमारे देश राजस्थान के मुख्यमंत्री के आह्वान पर मेरे गांव कालवास में और हमारे गांव की जो युवा शक्ति है, इन्होंने 3 शिफ्ट में 8-8 घंटा की, 24 घंटों में 8-8 घंटा की ड्यूटी जो है ना वो अपने नाकाबंदी करके दे रखी है गांव के चारों तरफ। और 6 से 7 रास्तों को इन्होंने ब्लॉक कर रखा है। जो भी आने जाने वाला है उसको ये बच्चे जो है ना, ये हमारे जवान जो है वो उनको समझाइश करते हैं और उससे आने जाने का कारण भी पूछते हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी से जिले की कोरोना महामारी के संदर्भ में जानकारी ली। वे जरूरतमंद परिवारों के लिए सरकार द्वारा योजनाओं व भामाशाहों द्वारा की जा रही सहायताओं व प्रशासनिक अधिकारियों से संबंधित चर्चा की।
कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न हुए संकट में सहायतार्थ भाजपा शहर मंडल रतनगढ़ ने विभिन्न कार्यक्रमों के लिए संयोजक नियुक्त किए हैं। ये संयोजक अपनी अपनी टीम बनाकर कार्य करेंगे। नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने बताया कि कोरोना त्रासदी में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से इन सभी संयोजकों को नियुक्त किया है, जो अपनी अपनी टीम बनाकर जरूरतमंद लोगों को राहत पहुँचाएंगे। हमने इन सभी कार्यक्रमों के लिए हमारे रतनगढ़ शहर मंडल में एक एक संयोजक नियुक्त किए हैं। मास्क वितरण में रामकृष्ण जी माटोलिया, आभार पत्र में भरत जी सैनी, पीएम केयर फंड में मदन लाल जी सैनी पार्षद, आरोग्य सेतु ऐप में प्रदीप जी आत्रे, उपवास में जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाना ऐसे में मनोज जी हरित्वाल, खाद्य सामग्री वितरण में कमल सिंह जी बैद, और युवा टीम जो किसी भी प्रकार की अगर आवश्यकता हो तो युवा तत्पर तैयार रहते हैं, उनके संयोजक के रूप में हरिओम जी स्वामी हमारा कार्य देख रहे हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी पूरी टीम के साथ रतनगढ़ शहर मंडल में पूरी योजनाओं के साथ और कार्य कर रहे हैं। कोरोना से जंग के तहत 21 दिनों के पहले लॉकडाउन के बाद अब 15 अप्रैल से 3 मई तक दूसरा चरण शुरू हो गया है। ऐसे में प्रशासन ने इस बार और विस्तृत रूपरेखा बनाई है। इसी कार्य योजना के साथ जिला कलेक्टर संदेश नायक ने जिले की जनता को एक वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया है। अप्रैल 14 तक जो लॉकडाउन लगाया गया था उसका पालन हमने बहुत अच्छी तरीके से किया है, परंतु इस संक्रमण को रोकने के लिए हमें कुछ और दिन के लिए लॉकडाउन को पालना करना पड़ेगा। एक इस संक्रमण को बचने के लिए भी है, और अब तक जो मेहनत हमने किया है उसको संपूर्ण लाभ उठाने के लिए भी इसका लॉकडाउन 2.0 की जरूरत है। लॉकडाउन 2.0 मई 3 तक चलेगा। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि इसको उसी तरीके से सजगता से कमिटमेंट से हमें पूरा पालना करनी है। चुरू के दो मुख्य शहर सरदारशहर और चुरू, उसमें हमें COVID-19 के पॉजिटिव केसेस मिले थे और इसके वजह से यहाँ हॉटस्पॉट्स भी हमने आइडेंटिफाई किया। उस हॉटस्पॉट्स को हमने कंटेनमेंट जोन भी डिक्लेयर किया है, और जितना हो सके उतना हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उन सभी लोगों का टेस्टिंग भी कर रहे हैं। और ये जो टेस्टिंग है वो उसका जो रिजल्ट्स आता है उसके ऊपर हमारा लॉकडाउन 2.0 का जो रिलैक्सेशन है या उसका जो कड़ी से कड़ी पालना है उसका डिसीजन होगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ कुछ और दिन के लिए इस लॉकडाउन की पालना कड़ी से करें। COVID-19 का जो हॉटस्पॉट हमारे डेवलप हुए हैं उस एरिया में जब हमने सर्वे कराया प्रशासन के तौर पर और हमारी जो मेडिकल टीम द्वारा वहाँ सर्वे कराएगी, परंतु कुछ लोगों में ये डर भी हो सकता है कि इस टेस्ट से डर रहे थे। मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति COVID-19 के जो पॉजिटिव व्यक्तियों थे उनके संपर्क में आए तो वो आगे आके उसका टेस्टिंग कराए। हमारे पास क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ का सुविधा भी है, उसमें हमने रुकने की और खाने पीने की सुविधा भी रखी है, परंतु कुछ नए गाइडलाइंस के अनुसार हमने इस COVID-19 के टेस्टिंग का तरीका भी थोड़ा हल्के से डिफर किया है, जिसमें हम होम क्वारंटाइन करते हुए भी सैम्पलिंग कर रहे हैं। जहां हमें लगता है कि हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है उनको ही हम क्वारंटाइन फैसिलिटी में लेके जा रहे हैं, वरना जो पैसिव टेस्टिंग हो रही है उन सबको हम होम क्वारंटाइन करते हुए ही टेस्टिंग सैंपल्स ले रहे हैं। इस सैंपल्स लेने में कोई भी झिझके नहीं, आगे आए और आगे आके इस कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव के टेस्ट आप करवा लें। इसी में हमारी भलाई है कि जितने जल्दी हम इस वायरस से जल्दी हम जाके पहुंचे और उसकी चेन को हम तोड़ें। मैं सभी उन साथियों का शुक्रगुजार हूं जो पुलिस के हों, प्रशासन के हो या हमारे मेडिकल की स्वास्थ्य विभाग के टीम हो, वो दिन भर रात भर इस काम पे जुटे हुए हैं, उन सबका आप सहयोग करेंगे। और ये कंटेनमेंट दो तरीके से है, एक तो वायरस की कंटेनमेंट है, दूसरा लॉकडाउन की पालना है, दोनों में आप सबकी सहयोग हम चाहेंगे।
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जहां प्रशासन, मेडिकल टीम और पुलिस के जवान विभिन्न नाकों पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, कर्फ्यू के दौरान पुलिस के जवानों को धूप से बचाव के लिए कैनोपी व पीने के पानी की समस्या ना हो, इसके मद्देनजर अधिकारियों ने शहर के विभिन्न नाकों पर पानी के कैंपर की व्यवस्था करवाई है। लॉकडाउन के अंतर्गत आप घर पर सभी बैठे हैं, लेकिन पूरे चूरू शहर की अगर बात करें या ज़िले की बात करें तो पुलिस प्रशासन जो है वो चौराहों पर, गलियों के किनारों पर आपको कहीं ना कहीं ड्यूटी करता हुआ मिलेगा। अभी आज ये दिखाने का मेरा उद्देश्य ये था कि धूप उग चुकी है, गर्मी बढ़ चुकी है, अब तो आंधी भी थोड़ी चल रही है, तो इसमें धूप में क्या व्यवस्थाएँ रहती हैं, कोई पेड़ वेड़ तो है नहीं, चौराहे पर सड़क पर खड़ा होना पड़ता है, तो किस प्रकार से क्या व्यवस्थाएँ रहती है वो हम आपकी बात करवाते हैं। और चूरू में लॉकडाउन की स्थिति में पुलिस विभाग किस प्रकार मुस्तैदी से अपना कार्य करता है वो आप तक परिचय हम करवाते हैं। आने जाने वालों के हर बारे में पूछताछ की जाती है, जैसे कोई हॉस्पिटल जाने वाला है, हाँ, वो जाता है तो बीमार के बारे में जानकारी की जाती है, अगर ऐसे कोई आवारा घूमने वाला है उसको रोका जाता है। व्यवस्था है, यहाँ के नागरिकगण व्यवस्था कर देते हैं जी, पानी चाय पानी की व्यवस्था कर देते हैं जी, जो संदिग्ध लोग घूमते हैं, हाँ, मोटरसाइकिल व्हीकलों पर जो ज़्यादा घूमते हैं आवारागर्दी, उसके खिलाफ चालान करते हैं, सीज भी करते हैं। सुभाष चौक पर हम आपको लेकर आए हैं जी। सर, क्या जांच रहती है और अभी मार्केट एकदम पूरा बंद है, कैसे निर्देश हैं आपको, कैसे यहाँ की व्यवस्थाएं? ऐसे है कि यहाँ इस महामारी के चलते जो अवैध वाहन चल रहे हैं, जो बिना परमिशन के वाहन चल रहे हैं, उनको रोक रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करवा रहे हैं। यहाँ पर कितने लोगों की ड्यूटी है सुभाष चौक पर? चार आज। तो कैसे व्यवस्थाएं रहती है, कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी रहती है आपकी? ड्यूटी हमारी 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक है जी। तो घर पे जाते हैं तो कितने क्या ध्यान रखते हैं आप अपने आप को सैनिटाइज करने का, और कैसे रखते हैं? हम घर पे जाते ही सैनिटाइज होते हैं, आते हैं, कपड़े बाहरी खोलते हैं सारे। अच्छा, कपड़े सब बाहर ही खोलते हैं, खोल के ना बाथरूम में जाके नहा के फिर अंदर प्रवेश करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर भी जैसे खाने पीने की व्यवस्था में क्या रहता है? यहाँ पानी साथ लेके आते हैं हम, तो वैसे पानी कैन SP साहब की तरफ से व्यवस्था है।